जनता समाप्त हो गए तिब्बत की विभिन्न प्रकार से, और एक बड़े संपूर्ण विश्व की किसी भी इतिहास में इस प्रकार की घटना मिलते नहीं हैं, सब घटित हुआ। तो जिसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र चीन में भी कुछ तथाकथित परिवर्तन हुआ, थोड़ा ढीलापन की प्रारंभ हुआ, और उसके कुछ समय तक 88 तक थोड़ा राहत की सांस लोगों को लेने की मौका मिला, और 88 में पुनः दमन और पुनः उपद्रव दोनों हुआ, और जिसके बाद जो आज की परिस्थिति हैं उसकी ओर शनि शनि जब जा रहे थे तो उसकी प्रक्रिया हम देखें तो सबसे पहले 1994 में तिब्बत के विषय में जो उनका कार्य दल का बैठक हुए थे, उस कार्य दल की बैठक में यह निष्कर्ष पाया गया कि तिब्बत की सांस्कृतिक भाषा बौद्ध धर्म दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा ये सब पृथकवाद की मूल कारण हैं, और तिब्बत संपूर्ण रूप से चीन का अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाने का ये कारण है, तो इसलिए इन सबको हटाना होगा, इसकी विचार का प्रारंभ वहाँ से होता है। उससे पहले ये माना जाता था कि तिब्बत की समस्या कुछ वर्षों का है, जो नए पीढ़ी युवक वर्ग शिक्षित हो जाएंगे और उनको समय बाद की शिक्षा ठीक ढंग से दे दिया जाएगा तो तिब्बत एक मुश्त में चीन के अभिन्न अंग स्वयंमय हो जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा उनको विचार था। शिक्षित वर्ग बहुत कम्युनिस्ट बने, समय बाद बने, लेकिन वो चीन की आज्ञाकारी नहीं बन पाया, और तिब्बत एक राष्ट्र रूप में अपने समय बाद चलाना चाहिए, अपने शासन चलाना चाहिए, ऐसा विचार करने वाला लोग आए तो उन लोगों ने शिक्षा भी बंद कर दिया गया, और 94 से आगे आप देखेंगे तो निरंतर उनका शिकंज जो है कसते चले गए और कठोरतम की ओर अग्रसरित हुआ। ये पूरा सम मानने वाला नहीं है, ऐसा वहाँ से कहा गया है। और पांचवें कार्यदल की संस्तुति में पृथकवाद के विरोध में और कितना कठोर और दंड व्यवस्था होना चाहिए उस पर बल देने के साथ साथ आर्थिक विकास की ओर और ध्यान दिया जाए तो तिब्बतियों की जो पृथकवाद की सोच है इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इन सब ने एक मत से कठोर नियंत्रण का और सैनिक बल की और अर्धसैनिक बल की माध्यम से दंडात्मक के उपायों को अपनाते हुए दमन मात्र के माध्यम से तिब्बत में कब्जा रख सकते हैं, उसका अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, ऐसा सोच करके आज की परिस्थिति में पहुंचा है, ऐसा
मुझे लगता है। अब तिब्बत की वर्तमान परिस्थिति को कुछ बिंदुओं से देखने के लिए हम कहेंगे, सबसे पहले जनसंख्या को आप देखें। तिब्बत की जनसंख्या 1951 में तिब्बतियों का प्रतिशत लगभग 96% होता था और 4% गैर तिब्बतियों की हुआ करते थे, और 2000 की जनगणना का नतीजा हमें मिलता है। 2010 का जनगणना का नतीजा हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं कह रहे, मुझे उपलब्ध नहीं हुआ, शायद दूसरों को उपलब्ध हुआ हो, मुझे मालूम नहीं। 2000 की जनगणना की हिसाब से संपूर्ण तिब्बत को, संपूर्ण तिब्बत में ये कह रहा हूँ, तिब्बत को अभी क्षेत्र की दृष्टि से 11 छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए हैं, उन सबको मिला करके तिब्बत की जनसंख्या 5.4 करीब 54 लाख गिना गया है। उसकी विरोध में गैर तिब्बतियों की संख्या 7.8 के आसपास हैं, जो 80 लाख से थोड़ा कम, ये उनकी जनगणना के हिसाब से हैं। लेकिन इसमें सैनिक लोग सम्मिलित नहीं हैं और स्वतंत्र होने वाले कुमाराचार्यों का गिनती इसमें नहीं है, जो स्थायी रूप से तिब्बत में बस गया है उसके हिसाब से 2000 में ही इतना जनसंख्या का अंतर हो गया है। तो 2000 आज 12 है, इस बीच में और भी पौधाधिक जनसंख्या की संतुलन बिगड़ गया होगा ऐसा लगता है, और क्षेत्र को तिब्बतियों को विभाजित करके शासित करने के लिए 12 भागों में बंट करके रखा है। अब जैसा मैंने कहा कि कार्यदल की संस्कृति में हमारे सबसे प्राथमिकता में नष्ट करने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था, ये दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इस कारण तिब्बत की संस्कृति को और धर्म को और उन दोनों की आधार भाषा को नष्ट करने की योजनाबद्ध तरीके से काम करते रहे। जैसा हम भाषा को लें, 2010 के जुलाई में उन लोगों ने एक 10 वर्षीय शिक्षा की योजना बीजी में तैयार किया, तो उसमें ये कहा गया कि बाहु भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बच्चों को हितकर नहीं है, बच्चा इसलिए अच्छा अंक नहीं पर पा पाते हैं कि वो कुछ विषय चीन भाषा में के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ विषय क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो इसलिए समस्त विषयों को एक भाषा के माध्यम से, चीन की भाषा के माध्यम से शिक्षित किया जाए, तो उससे उनका शैक्षणिक स्तर वृद्धि होगा। तो इससे एक दिशा निर्देश हुआ और उसके चलते ग्रीष्मावकाश बाद जब विद्यार्थी विद्यालयों में या विश्वविद्यालय में जब लौटा, तो सारे के सारे पाठ्यपुस्तिकाएँ और शैक्षणिक माध्यम सब परिवर्तित हो चुके थे, और जिसको लेकर के थोड़ा बहुत आंदोलन भी हुआ, आज भी चल रही हैं, परंतु लबोलबा
इतना है कि वह भाषा का सफाई करना, धर्म और संस्कृति दोनों की सफाई करने के लिए एक अच्छा माध्यम मान करके उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। और ट्रार में, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, तो उससे 2 साल पहले ही उनके विश्वविद्यालयों में सारे पाठ्य पुस्तिकाएँ भाषा बदल दिया गया था, जिसको कोई विरोध भी करने का किसका हिम्मत नहीं पड़े। उसी प्रकार सारे बिहारों में और नंदरियों में पिछुओं की और पिछुनियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि 1994 के बाद हर बिहारों में भिक्खुओं की, शमनरियों की और भिक्खुनियों की संख्या बहुत तेज़ी से घटे हैं, और हर बिहारों में राजनीतिक प्रशासन और धर्म और राष्ट्र दोनों के प्रति भक्ति भावना को कैसा वृद्धि किया जाए, इस प्रकार के प्रशासन निरंतरता रूप से चला रही हैं। तो ये एक संपूर्ण सांस्कृतिक को नष्ट करने की और भाषा को नष्ट करने की एक सुनियोजित चेष्टा के रूप में देखा जा सकते हैं। और उसके साथ जीवन शैली को बदलने की चेष्टा किया है, जो अपने जानवरों के साथ नॉमड के रूप में अस्थाई रूप से इधर उधर जाकर के रहने वाले सबको मकान बना करके बसा दिया गया, और उनके आजीविका के लिए जितना पशु थे पलतू उसको भी संख्या निर्धारित करके बहुत अधिक संख्या में पशुओं को मार दिया गया, और जिससे जो तिब्बत की जनसंख्या में करीब करीब 35% इस प्रकार की जो पशुपालन की ऊपर जीवन निर्भर करने वाले हैं, उन सब का जीवन शैली एकदम बदल गए। और उसी प्रकार से कृषि करने वालों को भी एक निर्धारित मोनो कृषि का, एक रूपता की कृषि का काम करने के, और वह भी रसायन के और एक प्रकार से जो आज की वैश्वीकरण में जिस प्रकार के बीजों को संकरण बना दिया गया है, उस प्रकार के बीजों को उपयोग करने का, इस प्रकार की जीवन शैली को बदलने की चेष्टा किया गया, जिसके कारण बहुत सा गांव वालों को भी अपना जीवन यापन करने के लिए चीन की भाषा नहीं जाना, नहीं बोलना करीब करीब असंभव कर दिया गया, जिसके कारण भाषा शैली में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं। और उस प्रकार हम शिक्षा को देखें तो 2005 में उनकी सरकारी एक संख्या की प्रतिवेदन हम लोगों को मिला है, तो उसमें कहा गया है कि टार में, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के अंदर,
निराश्रिता का जनसंख्या 45% है। 45% जो निराश्र लोग रहेंगे तो उसमें हर उम्र के वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, और कहीं कहीं जो ऑटोनॉमस रीजन के बाहर की कैंसू और सिचुंग की क्षेत्रों में तिब्बत जन समुदाय रहते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं अक्षरता का प्रतिशत है वह 6-7 के बीच में कहा गया है। 2005 में आकर के उनका शासन लगभग 60 वर्ष की पूर्ति होने वाले थे, तभी बहुत सा तिब्बत की क्षेत्र में साक्षरता की संख्या बहुत कम, पहले से भी कम रह गया है। और भाषा की जानकारी को समाप्त करने के एक सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो विद्यालय चला रहे थे वो सबको अधिकांशतः को बंद करवा दिया गया है, जिसका मुझे बहुत ठीक ढंग से प्रतिशत मालूम नहीं है, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगभग 80% जो व्यक्तिगत स्तर पर बिहारों के माध्यम से या गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो छोटे मोटे विद्यालय तिब्बती भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए खोला गया था, वह 2008 के बाद बहुत तेज़ी से सब बंद कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसके साथ वर्तमान परिस्थिति के लिए वहाँ के पर्यावरण को भी समझना होगा। तिब्बत एक ऐसा उच्च स्थल है जहाँ से संपूर्ण एशिया की प्रसिद्ध नदियाँ उद्गम होता है। 10 बड़े बड़े नदियाँ, चाहे हिंदुस्तान में आते हो, चाहे चीन में जाते हो, चाहे पाकिस्तान में जाते हो, वो तिब्बत से उद्गम होता है। और वो 10 नदी उनकी परिस्थिति अभी बहुत गंभीर हो गए हैं। वहाँ की पर्यावरण विदों ने 2007 में जो प्रतिवेदन दिया है उसमें वो मेरे ख्याल से वहाँ की नहीं, WWF की माध्यम से जो 2007 में सर्वेक्षण किया गया है उसमें से 10 में से 4 नदियाँ ऐसा है जो बहुत जल्दी लुप्त होने वाले हैं, सूख जाने वाले हैं, और बाकी 6 नदी भी या तो प्रदूषित हैं या उसके भाव बहुत कम हैं। 2 नदियों का जो एक को डिचू कहलाते हैं, एक तो यलुंसांबू कहलाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं। यलुंसांबू आगे चलकर के ब्रह्मपुत्र बनते हैं और डिचू चीन में जाकर वो बहुत विशाल क्षेत्र में उसका भाव है। वो दोनों को मच्छू में मिलाने की और उनकी धारा को परिवर्तित करने की योजना चल रही है। ऐसा योजना नहीं है, ऐसा बार बार सरकारी रूप में कहते रहते हैं और मानने वाला भी इसको मान लेते हैं, ऐसा कोई योजना नहीं है, लेकिन ये योजना जग जाहिर है, तिब्बत में रहने वाले सब जानते हैं। 1950 में इन 10 नदियों के ऊपर
22 बंद हुआ करते थे, पूरा मिला करके 22 बंद हुआ करते थे 10 नदियों के ऊपर। और 2000 में ये चीन की सरकारी दस्तावेजों से मिला है, सन 2000 में जा करके ये 10 नदियों के ऊपर बाईस हजार छोटे बड़े बंद या कोई विद्युत योजना स्थापित हो चुका है। और इन नदियों से उनकी दस्तावेजों के अनुसार 3.1 बिलियन एशियन पीपल आर डिपेंड अपॉन खेती के लिए, पीने के लिए और अन्य काम के लिए। और तिब्बत में ग्लेशियर्स की बहुत बड़ा विशाल भंडार माना जाता है, तो इसलिए तिब्बत को एक प्रकार से तीसरा पुल माना गया है, साउथ पुल और नॉर्थ पुल के अतिरिक्त एक तीसरा पुल तिब्बत को माना गया है, जिसमें 46,000 निर्धारित या रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइड ग्लेशियर्स होते थे, और जिसका 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की क्षेत्र पर व्यापित था। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं 100 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने अनुमान लगाया है। आज की तारीख में जो ग्लेशियर्स पिघल करके छोटे मोटे पाउंड के रूप में या झील के रूप में परिणित हुआ है, ऐसा 8,790 गिनाया है उन लोगों ने। 8,790 उस प्रकार की झीलों में से 204 झील बहुत खतरनाक बताया गया है, वो कभी भी फट सकते हैं, जिससे बहुत विशाल विनाश होने की संभावना है। और वो चीन के ऊपर भी, भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये तीनों देश में, बांग्लादेश के ऊपर, इन सब पर इसका खतरा मंडरा रहे हैं। ऐसा कई घटना पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन ये आगे चल करके और बहुत अधिक खतरा होने वाले हैं। जिस प्रकार की जो तापमान वृद्धि हो रहा है, उस हिसाब से 2030 तक, 2030 तक 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यह और अधिक भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार अभी वृद्धि हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो 2030 में 26 सेल्सियस डिग्री हो जाएंगे, तब जाकर के लगभग 60% ग्लेशियर्स समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। अब बहुत सा ग्रासलैंड जो घास की विशाल मैदान होते हैं, वो बड़ी तेजी से रेगिस्तान में परिणित हो रहा है। यूएनडीपी की 2008 की दस्तावेज के हिसाब से 2330 स्क्वायर किलोमीटर प्रति बरस व रेगिस्तान में परिणित हो रहा है,
और इस हिसाब से आने वाले 20 वर्षों में तिब्बत की लगभग वर्तमान घास की मैदान हैं वो सब रेगिस्तान हो जाएंगे ऐसा कहा गया है। तिब्बत के जितना जंगल थे वो 98 तक 50% काट चुके थे, तो अभी जो बचा है 50% से कुछ कम ही बचे हैं। 98 में यांग्त्ज़ी रिवर में बहुत बड़ा बाढ़ आए थे और उससे लाखों लोग चीन में प्रभावित हुआ, जिसके बाद जंगल काटना थोड़ा भ्रम किया है लेकिन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। और प्रकृति के संसाधन की दृष्टि से उनके अपने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 126 विभिन्न प्रकार की संसाधन तिब्बत के क्षेत्र में मिल रहे हैं, जिसमें सोना है, चांदी है और विभिन्न कीमती पत्थर हैं, कोल हैं, लोहा है और जेनिक है, मेदिक है, यूरेनियम है और भी बहुत कुछ वहाँ मिल रहे हैं। 1907 में जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 40 मिलियन टन कॉपर तिब्बत में मिलेगा और 40 मिलियन टन जेनिक तिब्बत में मिलेगा ऐसा कहा गया है। तो इस हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था में एक बहुत विशाल भाग तिब्बत की प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति हो रहा है और होगा। रेल और सड़क के दृष्टि से आप देखा जाए तो हसास तो पहले ही जोड़ दिया गया था, अब मुख्य चीन के क्षेत्रों से शिखाज और पाकिस्तान के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए योजना चल रही हैं। नेपाल में आने वाले 5 वर्ष में रेल का लाइन जुड़ जाएंगे ऐसा अनुमानित है और सिक्किम के पीछे ट्रोमो नाम की जगह है वहाँ पर 4 वर्ष में रेल लाइन आ जाएंगे ऐसा उनका कहना है और अरुणाचल के पीछे सोना नामक की जगह है वहाँ पर 2016 तक रेलवे लाइन जुड़ जाएंगे ऐसा कहना है। अगर वो सब रेलवे लाइन जुड़ जाए तो नेपाल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण सीमा जो सिक्किम से लगता है और अरुणाचल से लगता है ये दोनों के पीछे सीमा तक रेलवे लाइन का सुविधा मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है।